नमस्कार, व्यू स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिब। क्या भारतीय जनता पार्टी में सब ठीक रहा है? अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो इस समय जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि उसकी पोजीशन जम्मू कश्मीर में काफी स्ट्रांग है, लेकिन उनके इस दावे पर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आता है। ये इस बात के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ समय से घटनाक्रम चल रहे हैं, उसके चलते हुए इस मामले को लेकर काफ़ी अभी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ तक कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में जिस तरह से दावे किए गए कि वहाँ पर अब लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं और वहाँ पर बीजेपी का कार्डर लगातार स्ट्रांग होता जा रहा है, लेकिन हाल ही में जो डेवलपमेंट हुई है जिसके चलते हुए वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने 8 लीडर्स, कश्मीर के अपने 8 लीडर्स के खिलाफ उन्होंने नोटिस जारी किए हैं उनकी एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के चलते हुए, जिससे पता चलता है कि वहां पर इस समय सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है। अभी हाल ही में डिसिप्लिनरी कमेटी, 3 मेंबर की ये कमेटी है, जिसे सुनील सेठी जो कि पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं और डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने 8 लीडर्स को नोटिस सर्व किए हैं और उनसे अनकंडीशनल अपॉलोजी मांगी है, अंडरटेकिंग मांगी है कि वो माफ़ी मांगे, वरना उन्हें उनकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा और पार्टी की मेंबरशिप से भी उन्हें उनकी मेंबरशिप जो है ख़त्म कर दी जाएगी। इसको लेकर अभी जो है नोटिस सर्व किए हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इस समय डेवलपमेंट जो चल रही है, और जिनके खिलाफ ये नोटिस सर्व किए गए हैं उनमें GM मीर, डॉक्टर आदिल मोहम्मद मीर, अल्ताफ ठाकुर, आसिफ मसूदी, आसिफ राजा, अनवर खान, मंजूर भट्ट और बिलाल पारे, ये 3 लोग हैं, ये 8 लोग हैं जिनके खिलाफ ये नोटिसेस जो हैं सर्व किए गए हैं। डिसिप्लिनरी कमेटी ने इन लोगों को कहा है कि वो 1 हफ्ते के अंदर इस नोटिस का जवाब दें और अनकंडीशनल अपॉलोजी मांगें कि वो इस तरह की हरकत जो है दोबारा नहीं करेंगे, कोई एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, वरना उन्हें उनकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा और उनकी मेंबरशिप से भी जो है पार्टी से ख़त्म कर दी जाएगी। नोटिस में ये भी आगे लिखा गया कि जब सोफी यूसुफ जो कि इनके वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ जब एंटी पार्टीज़ की एक्टिविटीज़ को लेकर इंक्वायरी हुई तो ये पता चला कि बाकी जो कई और भी लीडर थे भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर में जो कि एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, इसलिए जो उनको नोटिस सर्व किए गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से उन पर मिस्ट्रस्ट करते हैं यानी विश्वास नहीं रखते हैं, ये चीज़ें जो हैं एक निकल कर इसमें आई हैं। अब उसी के चलते हुए जो एक अभी एलिगेशंस लगाए गए कि इनडिसिप्लिन जो है किसी भी तरह से पार्टी में नहीं चलेगा, इसको लेकर अब ये नोटिस सर्व किए गए हैं और इनको देखते हुए कमेटी ने उन्हें एक आखिरी मौका देने का ये फैसला किया कि एक आखिरी मौका इनको दिया जाता है, वो अपनी पोजीशन को क्लियर करें और बिना शर्त माफ़ी मांगें, लिखे माफ़ी दें और उस पर ये भी लिखें कि वो भविष्य में कभी भी एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तभी जो है उनकी पोजीशन जो है सेफ रहेगी और वो मेंबरशिप से नहीं निकाले जाएंगे। लेकिन अगर वो 1 हफ्ते के अंदर इसको जिसका जवाब नहीं देते हैं तो उनको पार्टी से बेदखल कर दिया जाएगा, इस तरह की बात जो है वो इस नोटिस में इन सबको लिखी है। और ये नोटिस जो है इनको व्हाट्सएप के थ्रू भेजे गए हैं, उन्होंने कहा है कि आप इनको नोटिस को सीरियसली लें, इसके अलावा कोई आपको अलग से कोई नोटिस नहीं भेजा जाएगा और इस पर जल्द से जल्द जो है वो 1 हफ्ते में रिवर्ट करें, वरना उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो इनके इनडिसिप्लिन को लेकर एक्शन लेगी और इस और इन्हें पार्टी से जो है बेदखल भी किया जाएगा। इस 3 मेंबर की इन डिसिप्लिनरी कमेटी में जो कि चेयरमैन है सुनील सेठी और उनके साथ जो दूसरे 2 मेंबर हैं उसमें असीम गुप्ता और रेखा महाजन थे, इन तीनों ने जो है ये कमेटी में ये डिसाइड